महागठबंधन में मचे बवाल के बीच विकासशील इंसान पार्टी वी के अध्यक्ष मुकेश सहनी आज दिल्ली में है कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी को भाजपा के तरफ से बुलावा आया था कल मुकेश सहनी ने महागठबंधन से नाता तोड़ने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कन्हैया कुमार का भी जिक्र किया था आगे आपको पूरी खबर बताने से पहले अपना परिचय दे देता हूँ नमस्कार मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं ने उन्होंने लिखा है कि मल्लाह एवं अति पिछड़ा समाज के पीठ पर जो खंजर भोंपा गया है उसके प्रतिफल में उसके आगे की रणनीति के लिए प्रेस वार्ता इसके बाद मुकेश सहनी ने फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था पोस्ट में वही सब लिखा गया था जिसका जिक्र उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान किया था उन्होंने लिखा है कि लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा और महागठबंधन का सम्मान करते हुए हम महागठबंधन में शामिल हुए थे उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी यादव हमें बड़ा भाई कहते थे और हमने भी सोचा था कि अपनी उंगली पकड़ाकर तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री पद तक लेकर जाएंगे लेकिन उनके मन में कुछ और चल रहा था आगे मुकेश सैनी ने जिक्र कहा कि तेजस्वी यादव को हर बिहारी युवा से एलर्जी है उन्हें डर लगता है उन्होंने आगे कहा कि सबसे पहले वे कन्हैया जी डर गए और उसके बाद चिराग पासवान जी उनके आंखों में चुभने लगे अब उनकी आंखों की किरकिरी या सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी है उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव का भी जिक्र किया और कहा कि अगर उस समय राजद बेगूसराय में कन्हैया कुमार को अपना समर्थन दे देती तो वहां से कन्हैया कुमार जीत जाते इसके बाद से मुकेश सहनी ने जमकर उनके परिवार पर भी हमला बोला था हालांकि वे तेज प्रताप यादव के बारे में बात करते समय नरम हो जा रहे थे उन्होंने कहा कि जिन्हें अपने भाई से ही समस्या हो वो अन्य युवाओं के बारे में क्या सोचेगा उन्होंने आगे यह भी कहा कि तेज प्रताप यादव कुछ सीटों पर अपने आदमियों के लिए टिकट चाहते थे जिसे लेकर आपस में ही उनकी लड़ाई चल रही है आगे जीतन राम मांझी को दलित का बेटा बताते हुए कहा कि उन्हें अपमानित करके महागठबंधन से निकाला गया उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को पिछड़ा का बेटा बताते हुए कहा कि उन्हें भी धक्के मार के गठबंधन से बाहर निकाला गया इसके अलावा अन्य कई चीजों का जिक्र किया गया लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने आरोप लगाया कि राजद उन्हें धोखा दे चुकी है लेकिन फिर भी वे राजद के साथ खड़े रहे उन्होंने कहा कि जो सीट उन्हें नहीं चाहिए थी लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें जबरन दे दी गई और जिन सीटों पर वे तैयारी कर रहे थे पांच अक्टूबर को वी आई पी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी जाएगी उन्होंने यह भी दावा किया था कि वी अकेले ही दो सीटों पर चुनाव लड़ेगी प्रेस वार्ता के दौरान मुकेश सहनी ने अपनी हार का भी दर्द दिखा दिया मुकेश सहनी ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव ने उन्हें धोखा दिया था सहनी ने कहा कि वे 2019 में दरभंगा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन तेजस्वी ने उन्हें खगड़िया दे दिया फिर भी वे महागठबंधन के साथ बने रहे इसके बाद उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके पास मल्ला और अति पिछड़ी जातियों का समर्थन है और यही कारण है कि अब तेजस्वी यादव की आंखों में मुकेश सहनी चुभने लगे हैं जाते जाते आपको बता दूं कि दो दिन पहले ही महागठबंधन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी उसी प्रेस वार्ता में मुकेश सहनी ने जमकर बवाल किया था उनका आरोप था कि उन्हें उप की कुर्सी और 25 सीट देने का वादा किया गया था लेकिन राजद ने उनको धोखा दिया है हालांकि राजद ने इस बात से इनकार कर दिया है अब आगे की खबर है कि मुकेश सहनी की भाजपा से बात चल रही है और वे बहुत जल्द एनडीए में भी शामिल हो सकते हैं इसके अलावा उनकी उपेंद्र कुशवाहा से भी बातचीत चल रही है अब आगे मुकेश सहनी किसी ना किसी गठबंधन में तो जरूर जाएंगे यह बात तो लगभग तय है और इसकी भी सबसे ज्यादा उम्मीद है कि वे वे एनडीए में ही जाएंगे इसके पहले भी भाजपा के बड़े नेताओं के साथ मंच साझा कर चुके हैं 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान वे अमित शाह सा के साथ भी मंच साझा कर चुके हैं फिलहाल वे एक बार फिर से भाजपा के दर पर हैं। आगे जो भी अपडेट आएगा उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में धन्यवाद